नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बताऊंगा व्हिच फार्मिंग इज द मोर प्रॉफिटेबल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़बरदस्त फार्मिंग के लिए कौन सा व्यवसाय है। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर लोग खेती ज़्यादा करते हैं। तो आखिर अगर खेती किसान ज़्यादा कर रहा है तो वो आखिर कौन सी खेती करे जिससे उसको भारी प्रॉफिट हो सके। यानी अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, उसके जो है सपने ज़्यादा साकार हो पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो पारंपरिक खेती के चक्कर में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उतनी अर्निंग नहीं हो पाती जितनी वो एक्सपेक्ट करता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट्स था, काफ़ी सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया कि इसके बारे में बताओ। तो कुछ आपके पास मैं जानकारी लेकर के आया हूँ। ये जो जानकारी ये एकदम करेक्ट है, ये बहुत सारे लोगों से जुड़ करके उनसे ली गई है। साथ ही साथ ये जानकारी गूगल के द्वारा भी कुछ इसमें से पार्ट जोड़ा गया है। तो इसे आप अच्छे तरीके से गहन कर सकते हैं और अपने बिजनेस में, अपने खेती बाड़ी में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़बरदस्त खेती जो आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जो खेती आती है वो चंदन की खेती होती है। चंदन की खेती आपको करना कैसे है, कितने रुपए किलो में बिकता है, कैसे बिकता है, क्या क्या इसमें क्या सिस्टम होता है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचे। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अभी शेयर कर दो, सबसे पहले उस हर ग्रुप में शेयर करो, जितने भी सारे ग्रुप हैं, ताकि इंडिया का हर एक यूथ जो खेती करना छोड़ रहा है, उसे लग नहीं रहा खेती में हमें फ़ायदा है, वो इस बिजनेस के द्वारा, इस आइडियाज़ के द्वारा वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकें। सो दोस्तों, चंदन की खेती करने के लिए आपको कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये अगर आपके एरिया में आपकी ज़मीन जो ऊंचे पर है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, आपको ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस जगह पर आप चंदन का खेती कर सकते हो। यहाँ पर कम पानी में आसानी से हो जाता है। अगर तराई एरिया में आप इसे लगाते हो तो यहाँ पर आपके पेड़ गलने की संभावना होती है कि अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो आपका पेड़ गल जाएगा। इस वजह से इसे आपको तराई क्षेत्रों में नहीं लगाना है, आपको इसे जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लगाना है जहाँ पानी ना रुके। फिर सेकेंड नंबर पे आता है, चंदन के पेड़ को अकेले ना लगाएं, इसे इसके साथ होस्ट का पेड़ या पौधा जरूर लगाएं। देखिए, चंदन का पेड़ जब आप अकेले लगाते हो तो वो सीधा नहीं निकल पाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि जब आप अकेला लगाते हो तो वो झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इस वजह से वो ग्रोथ नहीं उसके अंदर आ पाती है। जैसा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि होस्ट का जो पेड़ होता है, अगर साथ में आप लगा देते हो तो उसके द्वारा उसकी ग्रोथ साथ में फास्टली हो जाती है, जिसकी वजह से आप आसानी से जो है इसका जल्दी से आपका पेड़ तैयार हो जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है, प्रदूषण जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर आपके पेड़ नहीं चल पाएंगे। अगर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कंपनियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर आप इसे लगा देते हो तो वहाँ पर आप जो है इसका प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, इसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पर अगर बात करें सिंचाई की, तो इसमें बहुत ही ना के बराबर सिंचाई होती है। जैसे कि पॉपुलर होता है या फिर लिप्टिस होती है, ऐसे जो पेड़ होते हैं इनके जो इनको भी सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से ये भी होता है, चंदन की सिंचाई के लिए इसमें कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कितनी दूरी रखने चाहिए पेड़ से पेड़ की, देखिए अगर दूरी ही बहुत मायने रखती है। अगर इसे आप ज़्यादा घना लगा दोगे तो इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इसकी मोटाई नहीं बन पाएगी। और अगर आप ज़्यादा दूरी पर लगा दोगे तो प्रॉब्लम ये होगी, आपका खेत ज़्यादा जाएगा बट आपको बीघे में जो भी प्रॉफिट होने वाला, प्रॉफिट कम से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो औसतन दूरी वो बताई गई है, वो 4 से 5 फीट के अंदर एक पेड़ लगा होना चाहिए। यानी 2 फीट इधर 2 फीट इधर और बीच में आपका पेड़ लगा होना चाहिए। यानी 4 से 5 फीट पेड़ की दूरी होनी चाहिए, 4 से 5 फीट के अंदर आप पेड़ लगा सकते हो, जो एक आसान एक जर्नल दूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, आप 2-2.5 साल का पौधा कम से कम अपने खेत में लगाएं। ठीक है, अगर 2 से 2.5 साल का पौधा आप अपने खेत में लगाते हो तो वो फास्टली ग्रोथ हो जाती है उसकी, वो सूखने के चांसेस कम होते हैं, उसको गलने के चांसेस कम होते हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर मिट्टी की बात करें कि कौन सी इसमें मिट्टी लगाई जाती है, तो मिट्टी के लिए बात करें तो दोमट मिट्टी इसमें जो है बहुत बढ़िया काम करती है। अगर दोमट मिट्टी है तो वहाँ पर आपका जो है पेड़ बहुत तेज़ी से चलता है और बढ़िया प्रॉफिट देता है। और इसके जो फूल हैं वो 4 सालों में आ जाते हैं, इसके फूल 4 सालों में आ जाते हैं, तो आप इसका जो है समझ सकते हैं, यानी कि 4 साल बाद इसके फूल इसमें आने लगते हैं और यहाँ से बीज भी उत्पन्न होने लगता है। फिर 12 से 15 साल में इसकी कटाई हो जाती है। देखिए औसतन क्या होता है, कम से कम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल में आप इसे कटाई कर सकते हो। 15 साल के बाद आप इसे आसानी से कटाई कर सकते हो। एक पेड़ की कीमत जो होती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। अब ये पेड़ आपका किलो में भी बिकता है, ये क्विंटल में बिकता है,
तो जितनी भी आपके पेड़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई जो भी होगी उस हिसाब से आपका पेड़ बिकेगा। 1 केजी चंदन का प्राइस रेट प्रेजेंट टाइम में 6,000 रुपये से लेकर के 6,500 रुपये तक है। ये आपका पाका जो अंदर का आता है, जो खुशबूदार होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी 1 केजी, 15 साल के बाद पेड़ का वजन लगभग 20 केजी हो जाता है और 12 साल में लगभग 15 केजी हो जाता है। मई से अक्टूबर में इसकी रोपाई की जाती है। अगर आप इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो मई से अक्टूबर में इसकी रोपाई की कर सकते हैं और एक पेड़ आपका 12 से 15 किलो का हो जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 6,000 रुपये प्रति केजी बिकता है, तो आप कम से कम जो है लगभग 9,500 रुपये का आपका एक पेड़ आसानी से निकल जाएगा। तो इससे आप कोशिश करो कि जो है आप इसकी खेती ट्राई करो अपनी एरिया में। जो अगर पानी की प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ वगैरह नहीं आती है आपके एरिया में, तो शायद यहाँ पर आपको भारी प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। फिर वहीं दूसरे नंबर पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की आ रही है। प्रेजेंट टाइम में जैसा कि आदमी जागरूक हो रहा है, तो वो सोच रहा है कि हम जो प्रेजेंट टाइम में जो सब्जी खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया, सल्फर, बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का इंजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। तो उन लोगों का नुकसान ना, उनको शारीरिक क्षति ना हो, वो स्वस्थ रहें, वो मस्त रहें, वो अच्छे से अपना काम कर पाएँ, इस वजह से प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव हो रहा है। अब इस सिचुएशन में आप ऑर्गेनिक चीज़ों का जो है उपयोग कर सकते हो और यहाँ पर भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक चीज़ों में क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे क्या होती है कि आप तरोई की है खेती, वेजिटेबल जितने भी सब्जियां आती हैं उसकी आप ऑर्गेनिक खेती करो, और खेती करने के बाद फिर इसके लिए आप बड़े बड़े मार्केट देखो। यानी आप अगर लोकल के हो, यानी कि आप अगर किसी गाँव एरिया से बिलोंग करते हो, तो अपने सिटी में इसे आपको देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको गाय के गोबर, भैंस का गोबर, ये सारा सामान आपको गांव में ही उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम रुपए में। और जब कभी कीटनाशक का प्रयोग करना हो, कीड़े ज़्यादा लग रहे हों, तो वहाँ पर आप नीम की पत्ती का पेराई करके, नीम के तेल का, ये सारी चीज़ों का छिड़काव करके, जिससे आप जो है भारी प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर पाओगे, यानी कि इससे आपके कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त तरीका है, आप आसानी से इसे जो है हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वही नेक्स्ट नंबर पे आता है, ये भी ज़बरदस्त फार्मिंग है। ये जो है इसमें कौन सी मिट्टी लगती है, इसमें मिट्टी आपकी पहाड़ी व दोमट मिट्टी उपजाऊ लगती है। यानी कि इसमें पहाड़ी, यानी कि अगर पहाड़ी मिट्टी हो तो बहुत ज़्यादा है, दोमट उपजाऊ मिट्टी हो इसके लिए बहुत है। और इसमें नंबर दो पर आता है, इसमें कम नमी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नमी इसमें भी नहीं चाहिए। और इसका जो है खेत को अच्छे तरीके से भुरभुरा करके फिर इसमें बुआई की जाती है, और पौधों से पौधे के बीच की जो दूरी होती है 1 मीटर में 2 लाइन लगाई जाती हैं। ठीक है, पेड़ में से पेड़ की दूरी 40 सेंटीमीटर होती है। कम इसमें कीड़ों की मात्रा बहुत कम होती है और इसका समय जो होता है वो 3 से 4 साल होता है। और 1 एकड़ में कम से कम 15,000 से 20,000 पेड़ आसानी से लग जाते हैं, और ये तैयारी जो होती है 8 से 10 महीने में इसकी तैयारी हो जाती है। एक पौधों में लगभग 2 से 3 केजी पत्तियां निकल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें बात करें इसके लागत की, तो एक एक लगभग एक बीघे में ये एक एक लाख से 1,80,000 रुपये तक इसमें जो है 1 हेक्टेयर में इसकी लागत आती है। और ये जो है आपका 6 रुपये प्रति केजी तक आपका बिक जाता है। अगर वही पत्ते निकाल करके आप बेचते हो तो ये 16 रुपये से 18 रुपये प्रति केजी तक बिकता है। जुलाई से अगस्त में जो है इसकी रोपाई की जाती है और ये 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये प्रति तने में मिलता है, और इसके लगभग 1 लाख रुपए में 1 एकड़ में हो जाता है। 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त बिजनेस है, तो आप इसे भी कर सकते हो। इसका नाम है एलोवेरा का बिजनेस। आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं, आप जितने भी फेस वाश या फिर जेल या बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन की जो क्रीमें बन रही, पतंजलि है, भलसारा है, ऐसी जो आयुर्वेदिक कंपनियां प्रेजेंट टाइम में हैं, वो लोग क्या करती हैं, इनकी चीज़ों की चीज़ें खरीदती हैं और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करती हैं, अपने बिजनेस में जो है पैसे कमाती हैं। तो यहाँ पर अगर चाहो तो आप भी अपना काम करके जो है आप जो है जो ये फेस वाश है, क्रीम्स हैं, फेसलेस फेस की क्रीम है, इन्हें आप खुद भी एलोवेरा की बना सकते हो। अगर आप खुद बनाने के लिए पास आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों से जा करके संपर्क कर सकते हो, अपने यहाँ की जो भी कटाई करके जो भी आपके पास पौधा होता है वो डायरेक्ट इन तक पहुँचा सकते हो, और यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
तो आशा करता हूँ जो मैंने ये तीन चार बिजनेसेस बताए हैं, फार्मिंग बिजनेसेस बताए हैं, व्हिच फार्मिंग इज़ द मोर प्रॉफिटेबल इन इंडिया, ये आपको जो है अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो अगर आप इसके करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पहले ट्राई करो, एक दो बीघे लगा करके स्टार्टिंग में, कि देखो आपके एरिया को क्या ये जो है पेड़ पौधे जो हैं ये सूट करते हैं, यानी आपके एरिया की जलवायु को प्रेजेंट टाइम में सूट कर रहे हैं। अगर आपके एरिया के जलवायु को प्रेजेंट टाइम में सूट करें तो ही आप करना, यानी कि अगर आपने लगा दिया 40-50 बीघे और बाद में सूट नहीं किए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो पहले एक दो बीघे लगा कर ट्राई करो, 4-6 महीने में 10 महीने में, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तब ज़्यादा लगाना। तो आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए कमेंट्स करो, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक ले दिया जाए।